अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल क्विक अपडेट्स में खुश आमदेद। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ दीन में नई बिदात और रसूमात शामिल होती हैं जिनका दीन की असल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। चुनांचे ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ताला अपने किसी बंदे ख़ास से दीन की तजदीद का काम लेता है ताकि अहकामात इस्लामी दोबारा अपनी असल शक्ल में वाज़ हो जाएँ और उन रसूमात और बिदात का ख़त्मा हो जाए जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक हदीस मुबारक में है कि हर सदी के शुरू में अल्लाह ताला एक ख़ास बंदा भेजता है जो इस्लाम की दोबारा से तजदीद करता है। आज हम आपसे एक ऐसे ही अजीम मुजद्दिद का ज़िक्र करेंगे जिनको दुनिया मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है और जिन्होंने अहया इस्लाम का अजीम फरीज़ा सर अंजाम दिया। शेख अहमद सरहिंदी अलमारूफ़ मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम शेख अहमद था और हिंदुस्तान के एक शहर सरहंद में उनकी पैदाइश हुई 26 जून 1564 को, जो कि जुम्मे मुबारक का दिन था और 14 शवाल 971 हिजरी की तारीख थी। आपके वालिद साहब का नाम शेख अब्दुल अहद फारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह था। आपके वालिद मोहतरम शेख अब्दुल अहद एक मुमताज़ आलिम दीन थे और सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे। हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत छोटी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ करके अपने वालिद से उलूम मुतादाविला हासिल किए और फिर सियालकोट जाकर मौलाना कमालुद्दीन कश्मीरी से दीन की और माकूलात की तालीम हासिल की और मुतअद्दिद अकाबिर मुहद्दिसीन इस्लामिया से फ़न हदीस हासिल किया, हत्ता कि आप 17 साल की उम्र में तमाम मराहिल तालीम से फारिग होकर दर्स व तदरीस के काम में मशगूल हो गए। तसव्वुफ़ में सिलसिला चश्तिया की तालीम अपने वालिद से पाई, सिलसिला कादरिया की शेख सिकंदर कैथली और सिलसिला नक्शबंदिया की तालीम दिल्ली जाकर ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। 1599 में आपने हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की। आपके इल्म और बुज़ुर्गी की शोहरत इस कदर फैली कि रोम, शाम, मावरान नहर और अफ़गानिस्तान वगैरह और तमाम आलम इस्लाम के मशाइख, उलमा और इरादतमंद आकर आपसे मुस्तफीद और मुस्तफीद होते रहे, यहाँ तक कि वो मुजद्दिद अल्फ़िसानी के ख़िताब से याद किए जाने लगे। नाज़रीन, इसी वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे अकबर बादशाह का कि जिसने दीन अकबरी का आगाज़ किया था और उसके दरबारी उलमा का ये ख़्याल था कि हर 1000 साल के बाद दीन में तजदीद होनी चाहिए ताकि नए हालात के मुताबिक जो नई चीज़ें इस्लाम में शामिल की जा सकती हैं वो शामिल की जाएं। तो इस बिना पर उसने दीन इलाही का ऐलान किया और उसमें हिंदुआना, सिखों की, ईसाइयों की और दीगर मज़ाहिब की चीज़ें भी शामिल कर दी और इस्लाम के जो हलाल चीज़ें हैं उनको हराम और हराम चीज़ों को हलाल करार दिया। तो इसीलिए आपको मुजद्दिद अल्फ़िसानी कहा जाता है। अल्फ़ का मतलब 1000 होता है कि आप 1000 साल का जो अकबरी दीन का दावा था उसका आपने रद्द फरमाया और दीन को अपनी असल हालत में बहाल किया। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ़ के मुखालिफ नहीं थे बल्कि ऐसे तसव्वुफ़ के मुखालिफ थे जो शरीयत के ताबे ना हो। कुरान और सुन्नत की पैरवी और अरकान इस्लाम पर अमल ही आपकी ज़िंदगी आपके नज़दीक कामयाबी का वाहिद रास्ता था। अकबर ने अपने ख़ुद साख्ता दीन इलाही के इजहार के लिए वक्त मुकर्रर किया। जब यह ख़बर हज़रत मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो आपने फरमाया कि कशफ यूँ ज़ाहिर हुआ है कि उसी मुकर्रा दिन बादशाह पर नाजिल होगा। मुकर्रा दिन बादशाह अकबर ने अपने महल के बाला खाना के सहन में बैठकर सहन के नीचे दरबार आम मुनक़द किया।
किस्म किस्म के लजीज और पुरतकल्लुफ़ खाने और मेवे सजाए गए। बादशाह के बड़े अहदेदार बारगाह अकबरी पर बरंजमा थे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के साथ रवाना हुए। आपने एक शख्स को भेजा कि बारगाह मुहम्मदी के इर्द गिर्द एक लकीर खींचाए। नाज़रीन, बारगाह मुहम्मदी अपनी बारगाह का नाम अकबर बादशाह ने रखा था, नऊज़ बिल्लाह। उस शख्स ने ऐसा ही किया और बारगाह मुहम्मदी के इर्द गिर्द एक लकीर खींच दी और मुट्ठी भर खाक जो उसको हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने दी थी बादशाह की तरफ फेंकी। उसके फेंकते ही शमाल से एक आंधी उठी जिसने अकबरी बारगाह को तहबाला कर दिया। खैमे और साहिबान अहले बारगाह के सरों पर पड़े। जिस बालाखाने पर बादशाह बैठा हुआ था उसके कवाड़ अकबर बादशाह के सर पर लगे और उसे 7 ज़ख़म आए और वह शदीद ज़ख्मी हो गया। और इन्हीं ज़ख्मों की ताब न लाते हुए 7 दिनों के बाद अकबर चल बसा। इस वाक़या पर हज़ारों लोग हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन बने। अकबर की मौत के बाद जहांगीर तख्त नशीन हुआ। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह उसके अरकान सल्तनत और उमराए दरबार के नाम भी असलाह अहवाल और हमायत इस्लाम में खतूत लिखते रहे। जहांगीर का वज़ीर बेतदबीर आसिफ जाह मुखालिफीन दीन और मुनाफिकीन से मिलकर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तलिफ तरकीब इस्तेमाल किया करता था। एक दफ़ा बादशाह के बुलाने पर आप दरबार में तशरीफ़ लाए। बादशाह के दरबारी मुल्लाओं और वज़रा का ख़्याल था कि आप सजदा नहीं करेंगे, इसलिए यह तजवीज़ पेश की गई कि आपको एक छोटे से दरवाज़े से दाखिल किया जाए और आप झुक के अंदर दाखिल हों तो हम ये कह देंगे कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के दरबार में सजदा किया है। लेकिन वक्त के मुजद्दिद थे, आपको ये अंदाज़ा पहले ही हो गया और आप जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो आपने बजाय सर अंदर दाखिल करने के पहले पांव अंदर दाखिल किए और ये साबित कर दिया कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला को रवा है और उसके अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। सजदा ना करने की वजह से बादशाह नाराज़ हो गया और आपको ग्वालियर के किला में नज़रबंद करने का हुक्म दे दिया। नज़रबंदी का ये वाक़या रबी सानी 1028 हिजरी में पेश आया। आपने दौरान क़ैद किला में भी तबलीग व इरशाद का सिलसिला जारी रखा और आपकी तबलीग की वजह से बहुत सारे कैदी जो ईसाई थे, हिंदू थे और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे दार इस्लाम में दाखिल हुए। जिन दिनों हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह नज़रबंद थे आपके एक मुखलिस दोस्त को कैद से आपकी रिहाई की बशारत हुई। आखिरकार बादशाह बेबस हो गया और उसे यकीन हो गया कि जनाब मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो के बगैर सल्तनत का निज़ाम कायम व दायम नहीं रह सकेगा। उसने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह को एक अर्ज़ी लिखी और अपनी ख़ताओं पर बहुत माफ़ी मांगी और तौबा का ऐलान किया और आपकी रिहाई का ऐलान कर दिया। इस दौरान आपने मुख्तलिफ़ शराइत रखी जिसमें दरबार में बादशाह को सजदा ख़त्म कराना, गिराई गई मस्जिदों का बहाल करना, गाय का ज़बीहा दोबारा जारी करना और दीन इलाही का ख़ात्मा और इसके अलावा तमाम कैदियों की रिहाई थी। और ये सारी शराइत तस्लीम कर ली गई और दीन हक की हकानियत को एक दफ़ा फिर सरबुलंद कर दिया गया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में तरीक़ाए नक्शबंदी का इमाम थे। सूफियाए दीन में आपको एक बुलंद मुकाम हासिल था। ज़ाहिर व बातिन में उनका तरीक़ा आलिया किताब व सुन्नत पर मबनी था और आप इस बात के कायल थे कि तसव्वुफ़ की पहली शर्त शरीयत की पाबंदी है। उन दिनों बहुत सारे सूफिया ऐसे थे जो शरीयत की पाबंदी को लाजिम नहीं समझते थे और उनका ख़्याल ये था कि उनकी नमाज
مکہ مدینہ میں ادا ہو جاتی ہے اور ان کو ظاہری نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان تمام باطل نظریات کا خاتمہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ تصوف کی پہلی منزل شریعت کی پابندی ہے۔ اس طرح آپ نے دین اسلام کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا۔ آپ کا انتقال 28 صفر المظفر 1034 ہجری کو ہوا اور آپ کا مزار سرہند شریف میں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی اصل شکل میں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اپنے ویلیوبل کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ غلام مصطفیٰ قاضی کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔